अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय शाम अदरीस। और आज यार क्या चवल लग रहा हूँ। अच्छा भाई, आज मैं तेरे जा रहा हूँ हाय खूबसूरत रैपर ताहरा यूनुस का, और 5 मिनट का गाना। सबसे मज़ेदार ये बात है, यकीनन गारंटी है कि लिरिक्स बहुत मज़ेदार होंगे और फुल चस आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए यस कमांडो। जैसे उड़ रहा हूँ मैं लगे पर जैसे I'm a seller, तू करे purchases, hood में तो बचपन से ही मेरे चर्चे। अगरचे मैं मिडिल क्लास फिर भी चलूँ अपने खर्चे पे, एक पर्चे पे लिखो I love you, तू है टट्टे, roll it like a J। यार बत्ती बना और आगे तुझे पता है, जानी जब ये बोलते थे हम सिर्फ लपेटते थे, ये खास उनके लिए जो मुझे हेटते थे। वेक एंड बेक बेटे, उठ जरा देख बेटे, हम लाखों में एक और तुम आज भी केक बेटे। जब भी गाने फेंकते थे क्या बताऊं कितने रैपर्स मेरे आगे माथे टेकते थे, बने मेरे फेक बेटे। 6 गाने हर गाना अलग और लेटेस्ट, इनका हर गाना एक जैसा, और ये बोले खुद को ग्रेटेस्ट। ही मैड कज आई एम इन हिज गर्ल्स प्लेलिस्ट, दो मेयस्ट लफ्जों का जादू, इट्स मैजिक नो ब्रेक्स पिच, दिस सम ये शिट। चिल्लम तैयार जानी सर कर छोड़ इजला तू ये छिक छिक छिक। घड़ी अड़ी चले टिक टिक स्लो मोशन में, बड़े टेंशन रिडेम्पशन है शॉशैंक में, जहाज मोड नंबर पंत मुझ तक पहुंचेंगे, पर अभी बहुत टाइम है जानी, अभी इनको बहुत टाइम है। भाई जैसे मेसी ये लॉन्डे बोटेंग है, I'm a one woman man, fuck your hotline blings, nigga, 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 nigga. शोर ज्यादा तो अब मेरिट पे मैंने भेजा तेरा खोल डाला, देख रहा कराची 12 साल से मैं चुप था, वक्त नहीं कैसे रुकता उठता, फिर भी हर चीज में गुड था। जिम्मेदारी जेबे खाली छीना, जपनी गरीब बंदा लुटता, भुत्ते भी देते थे बता ऐसा मेरा उठता, तू सिर्फ चुकता और चुकता क्योंकि तू नहीं हुटका। आखिर क्या जो तेरा खुद का नुकता, तू आज भी वही जा तू कल, मैं नहीं रुकता। ब्रेकिंग न्यूज से बिलबोर्ड्स मेरे बिल बहुत, खेल रहा पबजी इन रियल लाइफ अब खेल्स बहुत। मैं जैसे खड़ा पकड़े स्नाइपर तानू, दूर की उभूर भी सुरूर भी ढूंढ रही मुझे, हूर भी और नूर भी आता आऊंगा, ये भूलती आंखें कमजोर पर ये चश्मे जैसे दूरबीन। रैपर पॉथ पर कोई स्टार नहीं, माइक है पर तार नहीं, सिर्फ जो समझे मेरे बार्स वो ही मेरे खास से सवास से। ओ बंदी तेरी डाउन अब ताने मार भाई, सफे खाली आंखें लाल। Hold up girl, let me think what you thinking about, listening to your favorite songs I'm singing out loud, you wondering how, biting that lip, checking me out, shaking that hip, you wanna go out, you know girl I'm just messing around, kabhi aati kabhi khoda, kabhi pyaada, chahne wale kam, nafrat karne wale zyada. क्रॉस टॉक का ना एक मौजूद दो, क्यों अपने चूतड़ को इनों पे रख के सेक रहे हो, सच्चे यार भी अब हेटर तो हेट पले दो, काम मेरा 25 छाती पे लिखा 100 वो, रैप करूं स्लो ताकि समझे सारे लोग, फिर भी काते लाना फ्लो हो, बचे कल के आज बने प्यो, वो भी जानते कि मेरी यहाँ लीग नहीं तो
कंपटीशन कैसे हो हम कलम तोड़ जानी छोड़ इन बच्चों को जाके बोल इनके गानों में रैप कम ज्यादा शोर जो कहते के वो मुझे जानते उनसे पूछ व्हाट डू यू नो आई वाज ब्रोक बैक देन सो आई स्टार्टेड सेलिंग डोप द वेल्थ मेड ऑन माय सेल्फ मेड तुझसे पुराने तो फैंस मेरे ब्रो Thinking about listening to your favorite song I'm singing aloud You wondering how Biting that lip Checking me out Shaking that hip You wanna go out You know girl I'm just messing around Koi nikla saap, koi girgit Aur koi bichu Kyun hai rapper bane ya Moomi ya mittu Phase loop mein Sare noobs ye Ass ka diwana focus hota nahi boobs pe Now call me ruthless Sab yaha two faced Peet piche phadwate Achhe bane mood pe I'm out सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चर्स मैंने आज तक पी नहीं लेकिन ये गाना सुन के मैं जहाज हो गया हूँ जहाज समझते हो टुन हो गया हूँ मैं हमेशा अपने जितने भी रिएक्शन दिए हैं जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती कोई बॉर्डर नहीं होता क्योंकि आर्टिस्ट ही एक ऐसी चीज़ है ना सियासतदान मोहब्बत फैलाते हैं ना लोग मोहब्बत फैलाते हैं बॉर्डर से पार कोई नहीं फैलाता सिवाय एक आर्टिस्ट के चाहे आप कहीं से भी हों लोग आपको सुनते हैं और यहाँ से ही मोहब्बत का एक क्या कहते हैं ज़रिया शुरू हो जाता है और मैं कहता हूँ कि कोई बाउंड्री नहीं होती कोई बॉर्डर शॉर्डर ये सारी बातें हैं आर्टिस्ट के लिए लेकिन न जाने क्यों जब भी मैं यंगस्टर्स के गाना सुनता हूँ वो पर मतलब तलहा यूनस हो या तलहा अंजुम हो एक अंदर से प्राउड फीलिंग एकदम ना पैदा होती है कि शुक्र है कि इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा फिल्में चल रही हैं कि नहीं चल रही इस बात में मुझे प्राउड होता है कि अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो रैप बेसिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो अच्छे लोगों के हाथ में और बहुत 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 बस मैं प्राउड फील करता हूँ कि शुक्र है कि हमारे मुल्क में यंगस्टर्स हैं सही मैं कह रहा हूँ ये मैं बात 200 दफ़ा रगड़ बैठा हूँ मेरे ख्याल से हर रिएक्शन में मैं इनके बोलता हूँ कि हमारे पास बहुत कम रैपर्स हैं बहुत कम गिने चुने रैपर्स हैं और उनमें से जो इस टाइम टॉप पे हूँ वो कहता है ना कि कल भी था टॉप पे आज भी हूँ टॉप पे तो वही बात है हमारे पास गिने चुने रैपर्स में से यंगस्टर्स हैं जो टॉप पे हैं और टॉप पे ही रहेंगे जाने क्यों लास्ट गाना आया था मैं और मेरे आइडल्स एक तो यार पीछे से शोर आ रहा है इग्नोर करना काम हो रहा है खैर मैं और मेरे आइडल्स आया था और मैंने कम से कम झूठ नहीं बोलूँगा यार 60-70 दफ़ा तो सुन ही लिया होगा भाई और इंतज़ार करता हूँ यंगस्टर्स का जब कोई गाना है तो मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ और मुझे पता है ये रात को आया था गाना लेकिन मैंने कहा यार सुबह आराम से बैठ के देंगे अभी सुबह तो नहीं है खैर काफ़ी शाम के करीब करीब है लेकिन मैंने कहा जब आराम से चिल हो के सुकून से फील करना है भाई गाने को फील करना है मैं तो मैंने कहा आराम से बैठ के सुनूंगा हज़म नहीं हो रहा सही बताऊँ बार्स पे बार्स लिरिक्स इतने हार्ड हैं और मैं हैरान हूँ कि यूनुस भाई ने हाथ हल्का रखा है अभी फ्लो नहीं पकड़ा फ्लो पकड़ा होता तो 3 दफ़ा ये गाना सुनना पड़ जाना था मुझे और फिर जाके मुझे समझ आनी थी फ़्लो तो बंदा यार मैं कहूँ ना ये बंदे के आगे आप टेक नहीं सकते फ़्लो इसका ऐसे अधर ट्रेन नहीं होती वो चाइना की वो सीन खुशी होती है म्यूज़िक इतना प्यारा आप सही बात है नशाई हो जाओगे ये गाना सुन के एक फील है यार एक अलग चस्प पूरी करती है मैं कंपटीशन कर ले कोई आके इनसे मुझे दिखा दे है कोई इनके मुकाबले तो ले आए मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बहरहाल लिरिक्स ने डोप ये बहुत ही आला यार मतलब पलंग तोर को कलम तोर यार फील करो मतलब पलंग तोर को कलम तोर
मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे सीरियसली। और अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगता है और लगता रहेगा। इनके गाने बहुत कमाल के होते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को देखते हैं और लोगों को बहुत, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोगों का जो जायज़ा ये लेते हैं वो बहुत कमाल का लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रियलिटी भी बीच में ले आते हैं, हल्का सा डिस भी कर देते हैं। दो किस्म की आड़ियाँ होती हैं, बल्कि तलवार होती हैं। तलहा अंजुम जो तलवार है ना, वो ये है कि गर्दन में फेरी, पता भी नहीं चला और बंदा मतलब गर्दन उड़ गई। ये बंदा ज़रा ना रगड़ता है, ये ऐसी सख्त आड़ी है, इसको आपको आहिस्ता 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 तरपा के मारता है। तो ये बात है यंगस्टर्स की, मुझे बहुत खूबसूरत लगा सीरियसली। हर लाइन इतनी ज़बरदस्त और बीच में जो टून चेंज करके फ्लिप हुए हैं, आए हाय हाय हाय। मेरी दुआ है कि ये एक दिन बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा नाम कमाएंगे वर्ल्ड वाइड और हर जगह नज़र आएंगे। और मेरी दुआ है कि ये मेरी दुआ कबूल हो। और मुझे खुशी होती है कि मेरे मुल्क का टैलेंट, अगेन आर्टिस्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन खुशी इस चीज़ की, मैं खुशी में ये कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क में हमारे सिस्टम बजे पड़े हुए हैं, लेकिन चलो कोई तो ऐसा बंदा है जो उस सिस्टम को चला के रख रहा है या जिसने ज़िंदा रखा हुआ है, मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्र शुक्र और थैंक यू तलहा यूनुस भाई, इतना खूबसूरत गाना फेंकने को। 5 मिनट का था, यकीन जाने लोग बोर हो जाते हैं। मैं नहीं हुआ, मैं क्या, कोई भी नहीं हुआ। यंगस्टर्स की एक चीज़ अच्छी बात है कि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो फैंस हैं, या फैंस नहीं मैं कहता, फैंस ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है, दोस्त फैमिली मेम्बर्स मैं ये कहूँगा ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमेंट से पता चल जाता है, लाइक से पता चल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है तुम लोगों को भी ये गाना बहुत ही प्यारा लगेगा। लिंक जिसने नहीं सुना, जो भी कोई मेरे से एक आधा अव्वल तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाओ शेयर, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, ग्रुपों में डालो, हर जगह बस फैला दो फुल्ली मलंग सीन। तो यही है मेरा रिव्यू, मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए इंतज़ार करो, और इंतज़ार करो कि अब कब तलहा भाई दूसरे वाले आएंगे, तलहा अंजुम, और उनका कब गाना आएगा। तो खैर बात लंबी हो गई, मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए